तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कलेक्टिव नाउन को, ठीक है। तो उसका क्या, हमने एक यूज पढ़ा था, एक यूज के बारे में हम डिस्कस हमने किया था, उसके एग्जांपल्स दिए थे। तो हमने कलेक्टिव नाउन्स के बारे में मैंने कहा थोड़ा और इसके बारे में ज्यादा बताएं ताकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। देखो ये कॉमन नाउन जैसा है, कॉमन नाउन जैसे होता है। अब कॉमन नाउन जब सिंगुलर होता है आप देखो तो हम उसको किस तरीके से, यानी उसका एमसीक्यू या उसका जो वो सेंटेंस हम बनाते हैं वो एससीएनए, मतलब कॉमन नाउन जो होता है ना, जो ये एससीएनए देखो, मतलब कलेक्टिव नाउन भी एससीएन की तरह सेंटेंस में जब सिंगुलर होता है तो बिहेवियर करता है। तो जब एससीएन की तरह होता है तो आप उसके साथ डिटरमिनर इस्तेमाल करेंगे, यानी एसीएल वाला डिटरमिनर इस्तेमाल करेंगे तो एसीएल वाला कौन सा होगा? देखो एसीएल वाला डिटरमिनर ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, देखो या ये हो सकता है, ये एसीएल वाले देखो डिटरमिनर बन सकते हैं, या ये हो सकता है देखो, मतलब ऐसे जो ना, यानी ये जो वर्ड है की वर्ड है, ये जो हमने पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ जो डिटरमिनर्स पढ़े हैं वो डिटरमिनर्स देखो हम इनके साथ लगाएंगे। जब ऐसे अल्फाज आपको कलेक्टिव नाउन्स के साथ नजर आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कलेक्टिव नाउन प्लस प्लस देखो कलेक्टिव नाउन लिखना पड़ेगा, प्लस इधर देखो कलेक्टिव नाउन लिखना पड़ेगा अगर ये वर्ड सब्जेक्ट के तौर पर आता है, और प्लस जो है आपको सिंगुलर वर्ब्स या सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये स्टेप है तो सिंगुलर की देखो ये स्टेप है, मतलब जब ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है या मसला नहीं है, क्योंकि इसके दो यूज है ना, तो हमें प्रॉब्लम होता है कि कब हम इसको प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करें कब इसको सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करें, तो क्लियर या क्लियरिटी नहीं हो रही है। तो ये की वर्ड्स आ गए देखो, ऐसे ऐसे अल्फाज जो आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हो ना, वो जब सेम काउंटेबल नाउन और सॉरी कलेक्टिव नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसका एमसीक्यू ऐसा रहेगा। एक बार एक पार्ट आपने सेंटेंस का ऐसा बनाया, एक पार्ट आपको दूसरा पार्ट भी दे दिया गया, मतलब दो पार्ट्स में सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हो गया है, सेमी कोलन लगा कर दे दिया, कोऑर्डिनेटिंग कन्जंक्शन, दो पार्ट्स होते हैं ना मिसाल के तौर पर देखो ना। हाँ मैं अगर इधर लिखूं कोई भी सेंटेंस इधर लिखूं, देखो द टीचर, देखो द टीचर इज टीचिंग, ये मैं कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कलेक्टिव का नहीं है, समझा रहा हूँ, देरे खुले चले हो क्या, देरे खुले चले, थोड़ी सफोकेशन हो रही है आप, सर्दी लाइट बंद है तो ऑन कर दो लाइट्स। देखो टीचर इज टीचिंग, ठीक है, द टीचर इज टीचिंग। अब आप देखो हमने ये नाउन दे दिया, ये इधर दे दिया नाउन, ये नाउन है हमारा एसीएन, एसीएन हुआ, ये हमने डिटरमिनर दे दिया। और डेफिनेट आर्टिकल के लिए एक बात जहन में रखो, वो हर नाउन के साथ इस्तेमाल होकर नाउन को डेफिनेट पर्टिकुलर या स्पेशल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फिर वो आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो काउंटेबल अनकाउंटेबल, मतलब जैसा भी आप उसके साथ लगा सकते हो। हमने लगाया देखो द टीचर इज टीचिंग, तो अब ये मैंने कहा ना एक पार्ट बना दिया, अब आप अगर इसको कंपाउंड नाउन बनाना चाहो तो कोलन लगा लो, आपको याद है सेमी कोलन, सेमी कोलन हम इस्तेमाल करते हैं जब कंपाउंड नाउन बनाते हैं, या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम लगाते हैं, एंड लगाते हैं, बट लगाते हैं, या फिर वॉइस वाले कंजंक्शन वो, या कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ये आपको याद होगा ये तीन अल्फाज तीन कंजंक्शन वाले स्ट्रक्चर्स ऑफ हम जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस के दरमियान लगाते हैं तो वो कंपाउंड हो जाता है। लेकिन अभी हमने वो चीजें इतनी आगे पढ़ी नहीं है, छोड़ दो भले, मसला नहीं, अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। तो द टीचर इज टीचिंग, अब देखो आप सीधी सी बात है इधर क्या लिखोगे, ही इज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक या दे आर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, क्या लिखोगे इधर, ही इज देखो आपने मना कहा ही इज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, ठीक है ना, देखो ही इज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक,
ही इज एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, आपने ही क्यों लगाया, मना ही कहां से, किसको देकर लगा, इसको देकर लगाया, लेकिन इसको देकर आपने लगाया। कलेक्टिव नाउन में भी सेम से, ठीक है ना, अगर ऐसे डिटरमिनर्स आ रहे हैं, कलेक्टिव नाउन आ रहा है, तो सीधी सी बात है, देखो सिंगुलर वर्ब भी आ गया सिंगुलर, तो ये सिंगुलर में आ गया। जब सिंगुलर में इस्तेमाल हुआ, आपके इस टाइप की स्ट्रक्चर सेंटेंस की बन गई, तो आप इधर सिंगुलर वर्ब दे दो, इट इधर लगा, फिर इट के साथ कौन सा वर्ब आए, इस जाएगा या जाएगा, तो ये होता है माना इसका सिंगुलर यूज, ठीक है ना, ये सिंगुलर यूज होता है। अगर आपको कलेक्टिव नाउन में इधर देखो, कलेक्टिव नाउन में इधर आपको प्लूरल यूज माना इनमें से कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है, इसका मतलब कलेक्टिव नाउन प्लूरल के तौर पर यूज हो रहा है, ठीक है, तो आप इधर क्या लगाएं, मिसाल के तौर पर मैंने ये इधर लगा दिया या अ लगा दिया, ठीक है ना, मैं देखो इधर ये लिखता हूँ टीचर्स, देखो टीचर्स टीच, टीचर्स 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 टीच अस, ये मैंने दे दिया, ये कलेक्टिव नाउन्स नहीं है, समझा रहा हूँ, कलेक्टिव नाउन्स की जगह पर अल्फाज रखकर बता रहा हूँ कि कैसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन यूज होता है, कैसे प्लूरल, आगे उसको कौन सा प्रोनाउन दे, वो मैं बता रहा हूँ। टीचर्स टीचर्स, अब मुझे बताओ, अब आगे हम जो मतलब प्रोनाउन रखेंगे ना, वो कौन सा रखेंगे, दे रखेंगे, ठीक है ना, दे आर एक्सप्लेनिंग, आपने लगा दे दी, भी दे क्यों लगाया, क्योंकि हमारा नाउन, तो जैसा नाउन होगा वैसा प्रोनाउन होगा, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, वो यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, तो इंस्टेड ऑफ नाउन आपने यूज किया तो ये प्लूरल है, तो प्रोनाउन भी आपका प्लूरल होगा, ये होगा, ठीक है, प्रोनाउन भी आपका प्लूरल होगा। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर दोनों ऑप्शन, कभी ऐसा होता है सेंटेंस में दोनों ऑप्शन मतलब ड्रॉप किए जाते हैं, माना इधर जो नाउन होता है ना वो भी ड्रॉप होता है, प्रोनाउन भी ड्रॉप होता है, माना दोनों ऑप्शन में ना यहाँ पर डेंस कर दिया, मिसाल के तौर पर देखो इधर भी डेंस कर दिया ना, जैसे आप देखो एमसीक्यू नहीं बना रहा, इसे बता रहा हूँ, देखना इधर बता दिया गया अ क्लास, ठीक है, अ क्लास इज, और फिर इधर अब मुझे बनाना दे आर, ये हुआ ए ऑप्शन, माना चार ऑप्शन बना दे ना, बनाता हूँ चलो पूरा ऑप्शन बनाता हूँ, उधर बनाता हूँ, अब कलेक्टिव का बना, ये समझ में आया, कलेक्टिव नाउन इस तरीके से यूज होता है। अब देखो इधर हम बनाते हैं देश प्लानिंग टू गो ऑन देश एक्साइटिंग, ठीक है, अब भाई हमें कलेक्टिव नाउन एमसीक्यू मिला है जिसमें ना नाउन है ना प्रोनाउन है ना वर्ब है ना डिटरमिनर है कुछ भी नहीं, मगर अगर ऐसा एमसीक्यू मिलता है स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें भाई, अब आप रिजेंबलेंस देखें, जब आपको ऑप्शन मिलेगा ना उसमें देखना कि कौन सा वर्ड किसके साथ मैच हो रहा है, मतलब नाउन किस प्रोनाउन के साथ मैच हो रहा है, आपका नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आप मैचिंग करवाए, अगर नाउन प्लूरल हो रहा है तो प्लूरल जो है उसके साथ मैच करवाए प्रोनाउन के साथ, मैं देख लेता हूँ ऑप्शन, ए ऑप्शन है देखना, ए ऑप्शन है देखना, बी हमने डिटरमिनर लगा लिया, ये आर लगा है और देखो ये दे दिया आप ए ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन देखना, देखो ये और ज्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मना इससे आप मना समझ जाएंगे कि हम यूज कैसा करें, अ क्लास इज और दे आर, सी ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन हुआ, आराम से मैं ऐसे नहीं कोई पहले बता दे, मैं खुद आकर पूछ लू, एक मिनट
पांच ऑप्शन दे दिए। तो अब देखो हमने माना ऐसे ऑप्शन रख लिए, आपको क्या करना है। देखो मैंने अभी ये जो बात अभी आपको बताई ना, ये वाली बताई है जो अभी मैंने ये जो आपको बताई, भाई देखो जैसा नाउन होगा वैसा प्रोनाउन होगा। देखो यहाँ से भी सिंगुलर स्ट्रक्चर हो गई, तो यहाँ से भी सिंगुलर स्ट्रक्चर हो गई, देखो ये मैचिंग हो गई, ठीक है ना। आम नाउन्स में हम ऐसा करते हैं, तो कलेक्टिव में भी सेम होता है, कुछ नहीं। आम नाउन में आपने देखो इधर प्लूरल कर दिया, तो इधर देखो उसका प्रोनाउन भी आपने प्लूरल कर दिया, ये बात है। तो इधर मैं खाली ऑप्शन रखने वाला था तो उसको मैंने हटा दिया। तो जैसे आप आम नाउन से यूज करते हो, कलेक्टिव नाउन भी इसी तरीके से यूज होते हैं। इसमें कोई माना सरप्राइजिंगली जो वो कुछ भी ऐसा नहीं, हम जो ना आपको बता रहे। तो इधर हमने रख लिया है, आप भले आप ना भी देखें, जरूरत भी नहीं है स्टेटमेंट को देखने की, जरूरत भी नहीं है, इधर ही मैचिंग करवा सकते हो। ऑप्शंस को देखकर आप जो ना जो रिजेबल हो रहे हैं उनको देखकर आप करेक्ट ऑप्शन बना सकते हो। तो हम आते हैं, देखो मतलब मैं सेंटेंस नहीं पढ़ता, द क्लास आर और इट इज आपस में मैच होते हैं, ये मैच होते हैं। कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर मैचिंग ये क्या, पता नहीं। भाई देखो ये आ गया क्लियर, ये आ गया सिंगुलर, ठीक है। जिसका मतलब क्लियर सिंगुलर एक बात है या दो बात है, मतलब
मतलब नहीं मिला होगा, कोई एक मतलब सेंटेंस होगा, उसी में से हमें जो है वो देखना पड़ेगा। देखें, मिसाल के तौर पर हमने लिया, देखो चार ऑप्शंस हैं। देखो कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि वो मना एक कलेक्शन में, अब उनमें मतलब यूनाइटेड भी होते हैं, यूनिफॉर्म भी होते हैं, एक साथ भी होते हैं, डिवाइडेड भी होते हैं। मिसाल आप क्लास है ना, तो मैं इस क्लास को एज अ वर्ड क्लास के तौर पर, मतलब क्लास के तौर पर लूंगा, इसका मतलब कि आप यूनाइटेडली एक्शन कर रहे हैं, आप एक हैं, मेरी नजर में आप क्लास है। लेकिन मैं क्लास में स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली जो है वो देखूंगा, या इंडिविजुअली जो है वो उनका एग्जाम्पल दूंगा, इसका मतलब उस क्लास के साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो प्लूरल इस्तेमाल होगा, वो सिंगुलर नहीं होगा। दूसरी बात जो है, दूसरा जो कलेक्टिव नाउन का यूज है वो ये है कि नाउन सेम होगा, मतलब नाउन सेम होगा, लेकिन हम की वर्ड जो होगा सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, हमें देखना पड़ेगा कि इस कलेक्टिव नाउन का जो सब्जेक्ट है उसका फंक्शन यानी यूनाइटेडली हो रहा है या सेपरेटली हो रहा है। उसके अंदर मौजूद जो अपराध है, जो फर्द है, जो पीपल है, वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं या यूनाइटेडली काम कर रहे हैं। अगर उसमें कोई वर्ड कलेक्टिव नाउन के सब्जेक्ट के साथ कोई ऐसा वर्ड जो हमें ये बता रहा हो या जिससे अंदाजा लग रहा हो कि ये जो लोग हैं ये जो है वो डिवाइडेड है, तो आप ऐसे कलेक्टिव नाउन के सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये तो सब मुत्तहद है, ये तो सब यूनाइटेड है, तो हम ऐसे कलेक्टिव नाउन के सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। समझ में आई बात? तो वो कीवर्ड है। नहीं, किलो के बगैर, हिंट के बगैर कोई स्टेटमेंट नहीं होता। आपको जैसे अभी आपने देखा, कोई ना कोई किलो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं ऑप्शंस बनाता हूँ पहले ना बताऊँ ये सही है वो सही है, पहले नहीं, पूरी क्लास है ना सबसे पूछ ले वो सही है। अगर कोई एक पहले बता देता है तो फिर मतलब पता नहीं, हो सकता है मेरा वो गलत भी हो, लेकिन सब लिख कर फिर आप बताना। अच्छा देखो, द पब्लिक ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, पब्लिक इज फाइटिंग, पेटीशन माना यूजलेस, मामूली कोई, द पब्लिक इज फाइटिंग ओवर द पेटी इश्यूज, ये हुआ ए ऑप्शन हमारा। बी ऑप्शन, द पब्लिक इज सेम है, देखो अब इसमें दो सेंटेंस नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो पहले आपको हेल्प कर रही थी, लेकिन अब बिल्कुल चेंज है पहले वाली सिचुएशन से। देखो, अ पब्लिक इज फाइटिंग ओवर द पेटी या यूजलेस या अनइम्पोर्टेंट इश्यूज या माइनर इश्यूज, डी ऑप्शन हो गया। सी इश्यू देखना, सी इश्यू नहीं, सी स्टेटमेंट, सी हुआ, डी देखना, अब ये देखो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन इसी में आप समझ जाएंगे, नहीं तो एक और, एक दो तीन और भी देंगे। देखो चार ऑप्शन हमने बना दिए, ठीक है ना। अब पब्लिक वर्ड जो है ना, ये भी कनेक्टिव नाउन, मैंने कहा पब्लिक नाउन, पब्लिक नाउन देखो कलेक्टिव नाउन जो है ना, कलेक्टिव नाउन
सिंगुलर के तौर पर भी बिहेव करता है, प्लूरल के तौर पर भी बिहेव करता है। तो जो स्टेटमेंट होता है, जो सेंटेंस होता है, उसके अंदर कीवर्ड्स हमें हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि हम उनको प्लूरल के तौर पर देखें, प्लूरल के तौर पर चूज करें या सिंगुलर के तौर पर करें। वो कीवर्ड्स हमने पिकअप कर लिए तो हमारा कलेक्टिव नाउन का कोई एक भी ऑप्शन गलत नहीं होगा। अब चार ऑप्शंस देखो आपके सामने पड़े। द पब्लिक इज फाइटिंग ओवर द पेटी इश्यूज, अब पब्लिक इज फाइटिंग ओवर द पेटी इश्यूज, द पब्लिक आर फाइटिंग ओवर द पेटी इश्यूज, ठीक है। तो अब पता है क्या, कौन कहता है ए सही, कौन कहता है ए सही, कौन कहता है बी सही, कौन कहता है सी सही है, कौन कहता है डी सही है। देखो अब देखो इधर जो कलेक्टिव नाउन है वो जो पब्लिक है वो पब्लिक एक नहीं है। अब पब्लिक के अंदर यूनिटी नहीं है, अब पब्लिक जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, अब पब्लिक के अंदर जो इत्तेफाक नहीं है, मतलब पब्लिक एज अ वन वर्ड एज अ ग्रुप एज अ यूनिट नहीं है। पब्लिक में मतलब अगर फाइटिंग है, अगर डिस्प्यूट है, अगर वो जो है वो क्वारलिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो एक ही, माना वो डिवाइडेड है, माना जो झगड़ा तब होगा जब हम डिवाइडेड होंगे, जब हम उठा होते हैं तो हम नहीं होते, माना इसका मतलब हम सेपरेट हो गए, सेपरेट हो गए मतलब हम दो हो गए या चार हो गए या छह हो गए तो क्या हो गए, प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए तो हम प्लूरल के हिसाब से यूज करेंगे। तो ये आबोलिंग सर ये इतना कहाँ लिखा है, आप अपने तौर पर बता रहे हैं, मैं बता तो नहीं कहा, खुद पता नहीं कहाँ कहाँ से बना के बताते हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ से बताता हूँ, मैं मुझे भी कोई ऐसी चीज यहाँ पे नजर नहीं, आप खुद इसको कैसे इंटरप्रेट करें, इसको जो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया ऐसे करेंगे या नहीं। नहीं सर फाइटिंग नहीं, फाइटिंग मतलब एक साथ रहना, तो क्या फाइटिंग का ये मतलब, झगड़े का ये मतलब है, डिस्प्यूट का ये नहीं है ना। तो मतलब इनमें फाइटिंग है, इनमें क्वारल है, इसका मतलब ये डिवाइडेड है। तो जब ऐसे कीवर्ड्स आ जाए जिनमें से आपको लगे कि वो एक नहीं है, तो भी आपको कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब प्लूरल लगाना पड़ेगा, सिंगुलर नहीं लगाना पड़ेगा, ना आपको जो वो ये सिंगुलर डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा, ये भी नहीं। अब देखो पूरी स्ट्रक्चर से भाई आप देखो, हमें सिंगुलर लग रहा है, सिंगुलर वर्ब लग रहा है, फिर भी देखो ऑप्शन हमारा गलत, जो एचसीएल के लिए रिक्वायर्ड हो वो हमने बिल्कुल सही ए भी लगा दिया, सब सिंगुलर वर्ब फिर भी गलत, तो कोई तो है ना बात जिसकी वजह से गलत हो रहा है, तो वो है सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स मतलब मीनिंग, वो मीनिंग जो है ना हमें बता रही है कि वो कैसे इसका यूज होना चाहिए। तो मीनिंग में देखो ये मतलब डिवाइडेड है, मीनिंग में मतलब ये आपस में नहीं है यूनाइटेड, जो यूनाइटेड नहीं है तो देखो हमारे ये गलत हो रहे हैं। तो ये दूसरा इसका यूज है या दूसरा इसका फंक्शन है, वो भी आप इस तरीके से मीनिंग के बुनियाद पर, इससे पहले जो बताया किसके बुनियाद पर, स्ट्रक्चर के बुनियाद पर, अब मीनिंग के बुनियाद पर देखोगे। तो अब जो राइट ऑप्शन है देखो सी इज द पब्लिक आर फाइटिंग बिकॉज दे आर डिवाइडेड। अच्छा ये क्यों नहीं सही है डी वाला ऑप्शन, देखो हैविंग हमने लगा लिया, हैविंग ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, हैविंग ऐसे डायरेक्ट नहीं लगेगा, हैविंग माना आर हैविंग हो, वर हैविंग हो या कोई ऐसा वर्ड लगेगा तब, लेकिन सब्जेक्ट को फौरन आपने हैविंग दे दिया, ठीक है ये नहीं होगा। द पब्लिक आर हैविंग हम ऐसा कुछ लगाए मतलब तो पॉसिबल है, फिर भी ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है तो मैंने ऐसे दे दिया। तो ये राइट ऑप्शन जो है आपका ये, एक और देता हूँ, एक और देता हूँ, देखना आवाज ना करिए, इतना समझ में आ रहा है। देखो ये चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ इनमें कोई अभी प्रॉब्लम हो आपको, किसी को वो जो नए स्टूडेंट्स अभी आए हैं, वो स्टूडेंट जो हमें अभी एंट्री टेस्ट में ज्वाइन किया है, देखो ये बाकी काफी हमारे स्टूडेंट्स इनको ये मैं जो है 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये चीज जो अभी एंट्री टेस्ट में आए नए स्टूडेंट्स उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो या वो मतलब अनईजी महसूस कर रहे हो या उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है या इतने जो वो कड़क बात करते हैं टीचर इधर वाले, हमें हम तो डेयर नहीं कर सकते उनसे पूछने की, नहीं हम कड़क कहाँ से बात करते, सुबह सुबह अपना टाइम है तो आवाज ऐसे आपको लगता है, नहीं तो हम बहुत पोलाइट हैं, ऐसे है या नहीं, शायद ही डेयर ना तैयार करना केलो असना मना मना डेयर मना
ऑप्शन देखना। इसमें सीख जाना आप सब द यूनिफॉर्म ओपिनियंस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। डी ऑप्शन देखना। ईच कमेटी आर हैविंग the united opinions ठीक है, ये हो गया। चार ऑप्शंस आ गए देखो। कलेक्टिव नाउन का हम ये एक दूसरा यूज कर रहे हैं कि अगर मतलब एक कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट आता है तो कोई इतनी बड़ी सिचुएशन हमारे सामने स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं होती तो फिर हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे। तो देखो ऐसा यूज आता है। अब ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने तक कमिटी हैव द डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है ना। डिफरेंट माना सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या, आपको क्या लगता है कि ये कमिटी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके एक ही, इनका एक ही मौके पे माना सेम ओपिनियंस है या अलग है? अलग है मतलब वो एक ऑन बोर्ड नहीं है, वो एक पेज पे नहीं है, वो मुतर नहीं है, ठीक है। जब वो मुतर नहीं है, एक नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि हम इस कलेक्टिव नाउन को क्या कंसीडर करें, सिंगुलर कंसीडर करें या प्लूरल करें, माना इसके अंदर जो मेंबर भी है या इसका चेयरमैन भी है या इसका कोई दूसरा नुमाइंदा है, तो वो सब सब की जो है जितने भी पांच हैं या चार हैं या छह जो भी हैं वो उनकी अपनी अपनी बात है, अपना अपना मौकों पे वो अलग हो गए। तो ये कहाँ से पता पड़ता है, कौन सा ऐसा वर्ड है, ठीक है ना। ये देखो ये की वर्ड आ गया, ये की वर्ड आ गया, माना डिफरेंट हो गए, माना वो एक नहीं है। हालांकि सुपरफिशियली देखने में हमें एक नजर आता है, इस वर्ड ने उनको सेपरेट कर दिया। सेपरेट कर दिया तो ये राइट ऑप्शन हो गया क्योंकि वर्ब हमें प्लूरल हो गया, क्योंकि ये तो अलग अलग है, माने इसका मतलब है मेंबर्स आर डिफरेंट। देखो इसका मतलब क्या है, फोर मतलब कमिटी में फोर मेंबर्स है, इसका मतलब फोर मेंबर्स है डिफरेंट ओपिनियन, माने फोर फोर मेंबर्स को मिलाकर हमने कमेटी का, लेकिन इस वर्ड की वजह से प्लूरल। अच्छा बी ऑप्शन देखें, ये भी तो सही है ना। हाँ कमेटी देखो सिंगुलर भी लगा हुआ है ये सब, लेकिन इस वर्ड की वजह से ये प्लूरल है, ये प्लूरल के तौर पर यूज होना चाहिए, तो हमने किया नहीं, माना इधर एरर है, इधर एरर कर दिया हमने, इसका यूज ही गलत कर दिया। तो बी देखो गलत हो गया, ठीक है। सी पे देखो कमेटी हैव द यूनिफॉर्म, तो ये तो सही है, तो कमेटी हैव द यूनिफॉर्म हैज लगेगा, ये यूनिफॉर्म माना आप अब एक हो गए,
इधर आप जो है ना, आपने कोई तकाजा था, इधर आपने कोई मसला था, लेकिन इधर आप क्या हो गए, यूनिफॉर्म ही माना एक ही है। एटीएन माना एक वर्ड, एसीएन, एसीएन माना सिंगुलर, सिंगुलर माना वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब है ऐसा होना चाहिए, तो हमने तो एक लगा दिया, तो देखो गलत हो गया। और ये माना होगा नहीं, इधर देखो यूनाइटेड वगैरह नहीं, तो दूसरी सूरत आप जो है कलेक्टिव नाउन में ऐसी होती है, समझ गए। अब नई कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, न्यू कैटेगरी में थोड़ा हल्का सा है अब, और मतलब इतना बड़ा वो भी कंपाउंड नाउन का है। देखो कंपाउंड नाउन के अंदर जो वर्ड है जब मैन होता है या वुमन होता है, देखो ये वाले इसका नाम है कंपाउंड। ये थोड़ा है मतलब 2 मिनट का, इसीलिए मैंने रखा है लास्ट में, लेकिन कंपाउंड नाउन का ये जो मैन और वुमन है ना, देखो वैसे आप देखो हमने कंपाउंड नाउन्स जो पेयर वाले या दो अल्फाज वाले पढ़े, उसमें हमने किसको प्लूरल किया, मैं जब दो वर्ड आ रहे थे ना, जैसे जैसे क्लासरूम हमने वर्ड दिया, तो किसको प्लूरल किया, क्लासरूम्स मैंने रूम्स को प्लूरल किया, ठीक है ना, या स्टाफ रूम है तो देखो रूम्स को हमने प्लूरल किया, ठीक है ना, या गर्ल स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स को हमने प्लूरल किया। देखो जब मैन या वुमन के साथ प्लस अगर कोई प्रोफेशनल वर्ड लगता है, माना इनका कोई प्रोफेशन हम शो करें, अगर कोई इनका कोई प्रोफेशन शो करेंगे तो हमें दोनों प्लूरल, ये भी प्लूरल होगा। मिसाल के तौर पर देखो मेन ड्राइवर, मेन ड्राइवर ही, या देखो वुमन पायलट, ठीक है ना, ये होगा, या देखो मेन टीचर है, या देखो वुमन डॉक्टर, ये सिंगुलर वाले नाम। अब ये भी कंपाउंड है क्योंकि देखो दो दो वर्ड की मोशन है, ठीक है, तो देखो मेन ड्राइवर, वुमन पायलट, मेन टीचर, वुमन डॉक्टर, मतलब प्लस अगर मेन और वुमन के साथ कोई प्रोफेशनल वाला वर्ड लगेगा तो दोनों के लिए ये भी प्लूरल हो जाएगा और ये भी प्लूरल होगा। अब ये सिंगुलर है, अब जब आप इसको प्लूरल करके लिखेंगे तो देखो अगर प्लूरल करेंगे तो ये होगा मेन, एमएन, ड्राइवर्स, मेन ड्राइवर्स। ये सिर्फ प्रोफेशनल, सिर्फ जब प्रोफेशनल होगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है ना, जैसे अगर ये देखो ये प्रोफेशनल नहीं है वर्ड, इधर देखो मेन हेटर माने जो इंसान से नफरत करने वाला होता है, मेन हेटर, तो हम सिर्फ लास्ट वाला जो होगा मेन हेटर्स देखो वो करेंगे, क्योंकि हेटर कोई प्रोफेशन नहीं है, हेटर कोई प्रोफेशन नहीं है, अभी बन गया है तो पता नहीं, लेकिन ये प्रोफेशन नहीं है, ये सिंगुलर का, तो लास्ट वाला जैसे हमने पहले किया ना ऐसे, इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें देखो विमेन, इसके एमसीक्यूज कल बनाएंगे इंशाल्लाह। देखो ये दोनों प्लूरल होते हैं, मेन टीचर है, देखो एम ई एन, मेन टीचर, देखो इस तरीके विमेन डॉक्टर, देखो ये हो जाए डॉक्टर्स, देखो ये हो जाए। अच्छा मेन सर्वेंट, अगर मेन सर्वेंट हो तो देखो सर्वेंट प्रोफेशन है, तो क्या होगा एम ई एन मेन और सर्वेंट हो जाएगा, ये कल इस पे हम जो है ना तो बनाएंगे। थैंक यू।